Welcome to Sarim Studio. Subscribe the channel and click the bell icon. बड़े महंगे शायर अरे वो 2 लाख रुपए लेते हैं, करते क्या है? नजीब की माँ रो करके अपनी जेब भर के जाते हैं। ये खूब बना रखा है कौम को, पूरी कौम का इस्तेमाल कर रखा है। कौम भी इतनी बेवकूफ है, आंसू बहा रही है, उसको मालूम नहीं ये आंसू बहा करके अपनी जेब गर्म करके जा रहा है। हद होती है 2 लाख रुपए की। अभी एक इलाके में हुआ, मेरी सरपरस्ती मुशायरा कर रहे हैं, फला को बुला रहे हैं, फला को बुला रहा, मैं नहीं आऊँ। अरे वाले नौजवान, ठीक है आप लोग कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ऐसे मुशायरों में शिरकत नहीं करता जिसमें सिर्फ तमाशा हो। कुछ काम ही कौम को जज्बात में उभारना आग की तरह, अभी ठंडा कर देना ये बहुत बड़ी हिमाकत है। कौम को वो हौसला दो जो हौसला बाकी रहे, जो कर सकते वो करो। भाई ठाकरे तेरे दांत तोड़ देंगे, मोदी तेरा सर फोड़ देंगे, फोड़ लोगे? मुकर्रर पैसे की बरसात हो रही, क्या पागलपन है? क्या पूरी कौम पागल हो गई है? ये शायरी है? सारे लोगों का गर्दन ही तोड़ते फिरेंगे, बाबरी मस्जिद का बदला ले लेंगे। अरे बदला ले लेते तो ले लेते, ये 2 लाख रुपए क्यों ले रहे? तो बदला लेके कोई दिखाता तो हमें, तमाशा बना रखा। अजीब शौक है कौन का, अपना शौक गुरु की नातिया मुशायरा है, इसलिए मैं आ गया। मैं पूछ के आया कौन कौन शोरा आ रहा है। तकरीबन जितने शोरा आ रहे हैं कुछ हालात हाजर, बात बड़े अच्छे शोरा आ रहे हैं, लेकिन वो भी हालात हाजर पर ज्यादा कहने लगे। मेरी मुलाकात होगी तो मैं कहूंगा, या तुम मदे साहबा बहुत अच्छी कहते थे, तुम नात बहुत अच्छी कहते थे, ये क्या क्यों? उनको कौन की वाह वाह और दाद चाहिए। नात का जितना अच्छा शेर हो वो दाद नहीं मिलेगी, और जहां मोदी का सर फोड़ा पूरा मजमा खड़ा हो जाएगा। इसलाह कीजिए अपनी। मैं एक जगह गया था सीतापुर, 25,000 का मजमा था। एक शायर साहब कमलेश तिवारी कह रहा है, कमलेश तेरा ये कर देंगे, कमलेश तेरा ये कर देंगे, तेरी गर्दन उड़ा देंगे। मुझे बैठ के कहना पड़ा, औकात है इनकी गर्दन उड़ाने की? खाली जबरदस्ती करने उड़ा दें, इनका मतलब और कानून के खिलाफ नहीं है। नोट करो, अगर कोई शब्द पर मुकदमा कायम कर दे तो जेल चले जाएंगे। अक्ल सलामत रखना चाहिए, और इस लैंड पर अगर कोई केस कर दे और इन पर मुकदमा चले जाए तो जिंदगी भर कत्ल की साजिश में चले जाएंगे। कानून के जो कह रहे फांसी पे चलाओ, क्यों फांसी पे चलाओ? जब तुम्हारे मुल्क में ऐसे जराइम पर फांसी का कानून ही नहीं है तो फांसी का मुतालबा क्या? मतलब मुतालबे को कड़ी सजा दो, जेल में बंद कर दो, रासुका लगा दो, फला फला कर दो, जो कानून के दायरे में आप मांग सकते हो। फांसी मांग रहे, जब फांसी का कानून ही नहीं है तो इसका मुतालबा करने का क्या मतलब? यह आपकी जहालत का सबूत दे रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत हिम्मत करके मैंने बात कही है कि शोरा कौन का इस्तेमाल करते हैं। और अभी बड़ा इजलास कानपुर में परसों हुआ, बहुत बड़ा, 15-20 हज़ार का मजमा, और मुल्क के काब क्या काबे देवबंद के मोहतमिम जमीयत उलमा के सदर सब आए। तो जिस इलाके में ये शायर साहब आके 2 लाख रुपए ले गए, चांदपुर के मैंने वो इलाके वाले कहा कि भाई यहाँ के लिए आप कैसे 10-20 बसें चाहिए और हमको 1 लाख रुपए चाहिए। तो एक बेचारे मौलाना साहब है, बहुत मेहनत करके 25-50 हज़ार का वादा किया, दे पाए ना दे पाए। मैंने कहा वो नौजवान कहाँ है, वो मुशायरे वाले कहाँ है जिन्होंने मुशायरे पर 5-7 लाख खर्च किया, एक शायर को 2 लाख दिया, तो उनसे कहो कम से कम वो तो 50,000 दे दे। तो बेचारे अरे मुझे उनसे पैसा नहीं चाहिए था, मुझे तो चोट मारना था कि अपनी औकात देखो, मिला क्या? शायरी अच्छी चीज है और हौसला देना भी अच्छी चीज,
नहीं। कौम को हौसले की जरूरत है, कौम को पस नहीं, लेकिन हौसला वो दो जो हौसला बाकी रहे, खाली एकदम जिस तरह कागज और लकड़ी या मिट्टी के तेल डाल करके एकदम से फम फम उठा आज उठी और बुझ गई, ऐसे हौसले से क्या काम, यही कर रहे एकदम से फंबाया और एक मिनट में बैठ गए। अरे हौसला वो सीखो जिस तरह लकड़ी सुलगती है, सुलगती वो सुलगती कितनी देर तक, अंगारा जलता लकड़ी सुलगती है तो घंटों जलती है, जलती कि नहीं जलती, और कपड़ों एक बार डाल दिया और मिट्टी के ढेर डाला, फम से उठा खत्म हो गया। ये सब शोरा और ये कौम के लोग ये तुम्हारे साथ ये मजाक कर रहे हैं, फम से उठाया एक मिनट में बुझ गए। बहरहाल मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ। शायरी नाचिया मुशायरा अच्छी नाते आनी चाहिए, हाँ उसके साथ नज्म भी आ जाए, उसके साथ हालत हालात हाजरा भी आ जाए। हालात हाजरा में हौसले वाली बात है, हालात हाजरा में हालात के साथ तुमको क्या करना। नबी की सीरत पढ़ो, साहबा की सीरत पढ़ो, वो करना जानते थे बोलना नहीं जानते थे, और आज हम बोलना जानते हैं करना नहीं जानते। कानपुर में एक साथ थे, ये बहुत पुरानी बात, 10-15 साल पुरानी और ज्यादा, जब देखो मौलवियों से कहते थे बनाना जिहाद कहो, कहे को हाँ हालत ऐसे में बस जिहाद। एक आलिम ने कहा तुमको मना किसने किया।